हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ खास यूपी कैटेट की जानकारी लाए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट है। इस टेस्ट के थ्रू अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी में एग्रीकल्चर के विभिन्न कोर्सों में एडमिशन पा सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ जानकारी इसकी जानकारी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसा कि चंद्रशेखर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सीएसए समेत प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा, जिसे यूपी क्रेडिट के नाम से जानते हैं, इसके फॉर्म 20 फरवरी से मिलने शुरू होंगे। प्रवेश फॉर्म भरने से लेकर काउंसलिंग तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इस बीच केवल प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन होगी। इसके लिए कानपुर के अलावा मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, बांदा व फैजाबाद में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। कृषि स्नातक, प्रास्नातक एवं पीएचडी में दाखिला लेने की ख्वाहिश रखने वाले छात्र प्रवेश परीक्षा फॉर्म 31 मार्च तक भर सकेंगे। प्रवेश के लिए कृषि विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीएसए के कानपुर व इटावा स्थित महाविद्यालयों में अपनी जगह पक्की करने के लिए इस परीक्षा में प्रतिवर्ष शहर के अलावा फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, औरैया समेत आसपास के क्षेत्रों से छात्र छात्राएं सम्मिलित होते हैं। इस बार छात्रों की संख्या और बढ़ाने की संभावना जताई जाती है। इस बार प्रवेश परीक्षा का आयोजन नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या करा रहा है। प्रवेश परीक्षा 16, 17 व 18 मई को होगी। सफल छात्रों को सीएसए के कानपुर, लखीमपुर व इटावा परिसर स्थित महाविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर व पीएचडी की करीब 550 सीटों पर दाखिला मिलेगा। प्रवेश परीक्षा में करीब 17,000 छात्र छात्राओं के शामिल होने की संभावना है। 3 राउंड काउंसलिंग होगी। ऑनलाइन स्नातक, स्नातकोत्तर व पीएचडी में प्रवेश के लिए 3 राउंड चलने वाली काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। इसके बाद अगर सीटें बचती हैं तो 2 राउंड और आयोजित किए जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस टेस्ट में सक्सेस होते हैं तो आपको रैंक के अनुसार ये 4 विश्वविद्यालय दिए गए हैं, इसमें एडमिशन मिलेगा। जैसा कि ये पहले है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसे हम सीएसए के नाम से जानते हैं, कानपुर में। दूसरा बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा। फिर नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ। दोस्तों, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ubcated.org पे ये कुछ जानकारी जो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं उसमें। आप इसमें रुचि रखते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है आज से 20 फरवरी से 31 मार्च 2019 तक है, जो कि बिना विलंब शुल्क के है। और ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2019। आपके फॉर्म में अगर कोई करेक्शन कराना हो, गलती हो गई हो, उसे सुधार करना है तो उसकी तिथि, आवेदन पत्र संशोधन की तिथि 2 से 6 अप्रैल 2019 तक है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि 1 मई 2019 से। आपको बता दें, जो ये प्रवेश पत्र है, एग्ज़ाम टाइम इसकी बड़ी आवश्यकता रहती है, बिना इसके जो है एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते। और इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। प्रवेश परीक्षा तिथियाँ आपको बता दें 16, 17 एवं 18 मई को, इसमें से आपकी कोई भी डेट हो सकती है। परीक्षा परिणाम घोषित करने की संभावित तिथि जो रहती है 31 मई 2019 है। दोस्तों, आपको एक और जानकारी शेयर कर दें, इसकी जो आवेदन शुल्क है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1250 रुपये, और जो एससी एसटी या अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1050 रहेगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक करें। थैंक, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।